पुलिस की गिरफ्त में खड़े शातिर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जा, उमर सिंह असलम खान और मोहम्मद साजिद उर्फ सज्जे है, जो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आपराधिक गिरोह को हथियारों की सप्लाई करने का काम किया करते थे, जो अब दिल्ली के द्वारका एटीएस पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल दिल्ली में जहां एक तरफ 26 जनवरी के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ बल और अन्य विभागों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के द्वारका, नजफगढ़ और एनसीआर के इलाकों में लगातार अवैध हथियारों से अपराधियों द्वारा मुठभेड़ और गोलियां मारने की वारदातें भी बढ़ रही थी, जिसके चलते पुलिस ने इन अवैध हथियारों के सरगना तक पहुँचने की ठान ली और द्वारका एटीएस पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जाल बिछाया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट की एटीएस की टीम काफी दिनों से आम सप्लायर्स पे काम कर रही है। अभी इनको एक सूचना मिली कि एक आदमी उत्तम नगर में रहने वाला, वो आम लेके बाहर से, दिल्ली के बाहर से आएगा और यहाँ के आसपास के लोकल क्रिमिनल जो है उसके टच में है आम खरीदने के लिए। तो फिर एक टीम बनाई गई और ट्रैप लगाया गया, इसको फिर अरेस्ट किया गया। इसके अरेस्ट पे गजेंद्र सिंह अलियास गट्टी का नाम है और इसके अरेस्ट से 3 कंटिन्यूड पिस्टल्स मिले हमें। फिर इसकी पुलिस रिमांड लेकर आए और इससे फर्दर पूछताछ के दौरान इसमें पूछा गया कि कहाँ से लाते हो और किनको किनको पहले सप्लाई किया है। तो इन्होंने कई लोगों का नाम बताया है और बेसिकली ये मथुरा से लेके आते हैं, यूपी से। पहले इनकी बातचीत हो जाती है क्रिमिनल गैंग से एंड देयर आफ्टर फिर ये ऑर्डर लेके जाता है, वहाँ ऑर्डर प्लेस करके फिर लेके आता है बसों में और बड़ी गाड़ियों में लेके आता है, जहाँ डिटेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर पूछताछ में इनसे पता चला कि 2 और लोग हैं जिन्होंने इनसे पसंद करते थे, उनकी चेकिंग कराई गई तो फिर उनसे 2 और पिस्टल मिले और 4 कारतूस मिले। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।